और शिव पुराण कह रही है कि मुक्ति से बढ़कर है मोक्ष। मुक्ति और मोक्ष में एक अंतर है, मुक्ति पाने के बाद में आप एक योनि से छूट जाओगे और दूसरी योनि में चले जाओगे, अर्थात एक योनि से मुक्त हो गए, दूसरी योनि में चले गए, दूसरी योनि से मुक्त हुए, तीसरी योनि में चले गए, तीसरी योनि से मुक्त हुए, चौथी योनि में चले गए। इसको मुक्ति कहा गया, इसको मुक्त होना कहा गया। और मोक्ष का मतलब होता है कि भगवान की इतनी भक्ति कर ली, शिव महापुराण की कथा को इतना श्रवण कर लिया, भगवान की अविरल भक्ति को इतना सुन लिया, इतना धारण कर लिया कि फिर वापिस मृत्यु लोक में जन्म ही नहीं हुआ, उसको मोक्ष कहते हैं।